सुजानपुर बस स्टैंड पर सड़क के साथ नगर परिषद के द्वारा टाइलें लगाई गई हैं, जिसके कारण क्षेत्र काफी सुंदर दिखाई दे रहा है और लोगों को भी आवाजाही में कोई परेशानी नहीं हो रही है। बावजूद इसके अब इन टाइलों पर अतिक्रमण करके दुकानदारों के द्वारा सामान सड़क पर लगाने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज एचटूए की टीम ने जहां व्यापारियों से इस मुद्दे पर चर्चा की, तो वहीं व्यापारियों से जाना कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नगर परिषद क्या काम कर रहा है। तो साथ ही हमारे संवाददाता राजन मेहता ने दुकानदारों से भी ये प्रश्न कर किया कि लोगों के द्वारा वहां पर अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। पिंजरा में जो बस स्टैंड के साथ जो गली का निर्माण करके नगर परिषद में वाहवाही डूब रहे हैं, स्थानीय दुकानदार भी इसकी जो है प्रशंसा करते थकते नजर नहीं आ रही हैं। जहां पे ये गली का निर्माण करके राहगीरों को तो इसकी सूरत मिली ही है और दुकानदारों को भी इसकी जो है सूरत नजर आ रही है। आज दुकानदारों से बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको इसको नगर परिषद को जो सूरत है जो आपको नजर जो है आती नजर आ रही है, सर क्या कहेंगे आप? हम प्रशासन का और नगर परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सड़क का निर्माण किया। इसमें बहुत ही खड्डे पड़े हुए थे जो कि अब राहगीरों को चलने में आसानी हो रही है और सुंदरकरण अच्छा हो रहा है। दुकानदारों से बात की कि इन्हों की डिमांड थी कि क्या मतलब जो सड़क है वो सुंदर दिख रही है, इनकी जो दुकानदारी है वो बस स्टैंड के मुख्य द्वार पर सस्ती है, जो देखने में भी अच्छी लग रही है और बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पे सुंदरीकरण किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे समीर वर्मा जी से जो पार्षद के रूप में भी खड़े थे वार्ड नंबर 9 के, और उनके कई जो है यहाँ पे इन्होंने अपना एक कई जो बातें भी किए थे सरकार मतलब जनता के साथ की किस प्रकार से ये देखते नजर आएंगे। सर गली का निर्माण कार्य अभी जो है गली का निर्माण कार्य अभी करे अभी यहाँ पे जो है आपके माध्यम में एक उद्देश्य था, क्या कहेंगे सर आप? अच्छा लगा कि प्रशासन ने सुनवाई की है, सरकार ने सुनवाई की, नगर परिषद ने सुनवाई की, हमारे मुद्दों को उठाया और उनको काम करवाया है। सुजानपुर का विकास हो रहा है तो सुजानपुर की तरक्की में योगदान है सबका, और बड़ी अगर विकास होगा तो ग्राहक ज़्यादा आएंगे और सड़क अच्छी और सुंदर होगी तो शहर का भी नाम रोशन होगा। सर क्या लगता है आपको जिस प्रकार से आप दुकानदारी सड़क के बीच में सजाते नजर आ रहे हैं तो क्या कहेंगे आप, किस प्रकार क्यों सजाई हुई है आपने, क्या आपको बोलना है सरकार के प्रति? क्योंकि नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी और प्रशासन लगातार बोलता नजर आ रहा है कि अतिक्रमण ना करें, फिर भी आपने जो है यहाँ पे अतिक्रमण करते नजर आ रहे हैं, नाली के ऊपर रखा हुआ है सड़क के बीच में, क्या कहेंगे आप? आजकल जरा बस स्टैंड बंद था, बस चल नहीं रही थी तो लगाया हुआ था क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइन थी कि ग्राहक को अंदर नहीं आने देना, सामान थोड़ा बाहर से देना है। अब सोमवार से जैसे कि लोगों को खुल जाएगा, दुकान अंदर लगाएंगे फिर ग्राहक अंदर आएगा। सर क्या लगता है आपको कि सरकार ने ऐसा बोला हुआ आदेश जारी हुए हैं कि अपनी जो दुकानदारी है बस सड़क पर सजाएं, कहाँ पे आदेश जो है? आदेश तो सर सड़क पर लगाने कुछ नहीं, लेकिन आजकल बंद ही सब कुछ, आजकल खाली पड़ा हुआ, सारा दुकान ही पड़ा हुआ है, तो आजकल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं बस स्टैंड सारा खाली पड़ा हुआ है। आपने अतिक्रमण की बात की थी लेकिन अतिक्रमण जो है आपके माध्यम से ही अतिक्रमण, ये तो हम 4 घंटे के लगाते हैं, मैं तो पक्के अतिक्रमण की बात करता हूँ। जिन्होंने टीम के शेड बना के रखे हुए हैं, जिन्होंने नालियों के ऊपर अपने गेट बना के रखे हुए हैं, जिन्होंने नालियों के ऊपर अपनी सीढ़ियाँ बना के रखी हुई हैं, जिन्होंने पूरी पूरी जगह में अपनी पर्सनली प्रॉपर्टी बना ली है, मैं तो उस अतिक्रमण की बात करता हूँ। परमानेंट अतिक्रमण है, हम तो 2 घंटे के दुकानदार लगाते हैं, 2 घंटे पर उठा लेते हैं, ये कोई अतिक्रमण थोड़ा होता है। अतिक्रमण तो जो होती है उन्होंने घर ही बना ली है नगर परिषद के एरिए में। नगर परिषद के जो समीर जी वर्मा जी हैं उनसे बात की, दुकानदारों से हमने बात की, तो उनका यही मानना है कि 4 घंटे के लिए ही दुकानदारी सजाते हैं, लेकिन जो सरासर गलत है। प्रशासन जो है कोई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से, प्रशासन के कोई ऐसे आदेश नहीं आए हैं कि आप दुकानदारी सड़क पर सजाइए, जिसके कारण राहगीरों को तो उसकी समस्या होती है लेकिन जो गाड़ियाँ हैं जो वाहन हैं वो भी उनको भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम यही चाहेंगे, जनता भी आवाज़ उठा रही है कि प्रशासन को चाहिए कि अतिक्रमणकारियों की जो दुकानें हैं वो दुकान में लगें ताकि जो लोगों को जो शहर है जो सड़क का निर्माण हुआ है वो सुंदर और सुचारू ढंग से लगा रहे। एस टुडे के लिए राजू मेहता की रिपोर्ट। सुनते धन्यवाद।